और स्टूडेंट्स, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? शुरू करें डिस्कशन सिनोनिम्स का। तो अभी तक हम लोग ने सिनोनिम्स में सिक्स क्लासेस डिस्कस किया है और उम्मीद है कि सारे वर्ड्स आपने अच्छे से याद कर लिए होंगे, समझ लिया होगा। और किसी वर्ड में, किसी भी वर्ड में कहीं कोई प्रॉब्लम है तो उसको मुझसे पूछ लेना है, मुझसे बात कर लेना है। इतने ऑप्शंस के मैंने मीनिंग बता रहे थे, ऑप्शंस के भी मीनिंग पर ध्यान रखना, कुछ ऑप्शन को खुद से भी ढूंढना जिसके मैंने नहीं बताया। तो शुरू करें, तैयार? चल, फर्स्ट वर्ड रूगर। वैसे ये रिपीटेड वर्ड है, कई बार आ चुका है, तो पहले भी हमने डिस्कस किया है। रूगर रूगर का मतलब क्या है? इकोनॉमिकल हो गया, किफायती, डेलिकेट हो गया, नाजुक, डेलिकेट हो गया, बहुत ही शानदार, हो गया भूखा। इकोनॉमिकल का मतलब क्या हो जाएगा? मोटी मोटी रीजन, ओकेजन, इंटेंशन, इंप्रेशन। मोटिव, मोटिव का मतलब क्या है? लक्ष्य, उद्देश्य। रीजन होगा नहीं, ओकेजन होगा नहीं, प्रिपरेशन होगा नहीं, क्या होना चाहिए? ऑप्शन है बिल्कुल भाई, इंटेंशन। मेरे को चाहिए ऑप्शन, क्या था मुझे पता था, भी टेंशन नहीं करेंगे। नेक्स्ट, किसी हिंदी वाला से की नहीं रहेगा। ऑफेंस, अपराध, मर्ति, दया, काइंडनेस, दया, उदारता, जॉय, खुशी, स्पीची। तो पीची का मतलब क्या होता है? हिंदी वाले से की नहीं, पीची। पीछे का मतलब है दया, कैसा? ये आईडी वाला दया नहीं, मर्सी। क्रैश, क्रैश। क्वेश्चन, प्रश्न, प्लेस, सौगंध या कसम, रिजेक्ट, नहीं मानना, काट डालना, खत्म कर देना, समाप्त कर देना। क्या ऑप्शन है क्वेश्चन का? क्वेश्चन वर्ड बहुत यूज होता है, पेपर मैगजीन आप पढ़ेंगे तो क्वेश्चन वर्ड बहुत मिलेगा। क्वेश्चन क्या ऑप्शन है आपके हिसाब से? तो क्वेश्चन का मतलब होता है कोई नियम है, कोई कानून है, उसको खत्म कर देना, समाप्त कर, मिटा देना, हटा देना, काट देना, काटना। तो फिर इसके हिसाब से क्या हो जाएगा? स्लैश, काटना। तो डी ऑप्शन होना चाहिए, क्वैस। क्वैस का नॉर्मल मतलब होता है किसी चीज को खत्म कर देना, समाप्त कर, क्या कर देना? खत्म कर देना या समाप्त कर देना, क्वैस, खत्म कर देना या समाप्त कर, क्वैस। तो स्लैश हो गया इसका, काट कर हटा देना या काट कर हटा देना। डिफर, डिफर इनडिफरेंट, जिससे किसी को कुछ लेना देना ना हो, तटस्थ। डिफाई, डिफाई का मतलब क्या होता है? किसी की बात, किसी की बात ना मानना, अवहेलना करना, बेइज्जत करना। डिफर, अंतर होना। पोस्टपोन, पोस्टपोन का मतलब क्या होता है? टालना, पोस्टपोन। तो डिफर का मतलब हो गया किसी चीज को टाल देना थोड़े समय के लिए, यही ना? तो क्या ऑप्शन होगा आप लोग के हिसाब से? क्या हुआ? डिफर, पोस्टपोन, टाल देना किसी को थोड़े समय के लिए। ये डिफर अंतर करना होता है, ये डिफर है टालना, डिले कर देना, ये डिफर अंतर करना है, पोस्टपोन। सीज, बिगिन शुरू करना, स्टॉप रुकना, क्रिएट उत्पन्न करना, डल आलसी सुस्त। आसान सा वर्ड है,
क्या कर दिया आप लोगों ने, उम्मीद है अब तक कर दिया होगा। तो सीज का मतलब होता है समाप्त होना, खत्म होना। उसके हिसाब से क्या हो जाएगा, स्टॉप। पायस, कुछ लोग इसको पीएस भी पढ़ लेते हैं। रिलीजियस, धार्मिक, सिंपथेटिक, सहानुभूति से बड़ा हुआ, अफ्रेड, डरा हुआ, फेथफुल, वफादार। क्या ऑप्शन है आपका? क्या? तो पायस का मतलब होता है धार्मिक, पवित्र। तो जो पवित्र होगा, धार्मिक होगा, दो धार्मिक हो सकता है, पवित्र होगा। तो इसके हिसाब से हमारा ऑप्शन क्या होना चाहिए? फर्स्ट रिलीजियस हुआ ना, काफी
फिर इसके हिसाब से क्या करें, फीवर, फीवर का मतलब ये ना फीवर जा रहा है, इंस्पेक्टेबल, इंस्पेक्टेबल बोल तो कई बार आता है, आता ही रहता है, ऐसे पहले भी सेट कर लेंगे इसके लिए, क्या भी नहीं इंपटीमेंट तो मतलब होता है बाधा, क्या नहीं होता है बाधा, ये तो आसान सा वर्ड है, अच्छा सा वर्ड है, क्या डिफिकल्ट वर्ड है, रिड्यूस का मतलब क्या, प्रोग्रेस, तरक्की करना, चेंज, और बॉडी पहले से बता दें कलियो उल्टा और फाइव ये पहले की तकनीक को देख रहे हैं, तो फॉरवर्डिंग का मतलब फॉरवर्डिंग अब मुझे एक आपको क्या है, मैं आपको कुछ आपको फॉरवर्डिंग का मतलब
गुड रियल लवेबल
Gracias.
Thank you.
लोगों ने स्टूडेंट से भी डिस्कस किया।